हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज के इस एपिसोड में मैं आपको बताने वाला हूं आरटीसी क्रिस्टल के बारे में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आरटीसी का फुल फॉर्म होता है रियल टाइम क्लॉक क्रिस्टल। ये जो क्रिस्टल होता है ये मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप और डेस्कटॉप में भी मिलता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये क्रिस्टल कैसा दिखता है। तो जो क्रिस्टल होता है ये मेनली जो मेटल बॉडी और नॉन मेटल दोनों टाइप में आता है। तो आप जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ पे जो मेटल बॉडी में जो ये दिख रहा है आपको, ये क्रिस्टल मेनली मदरबोर्ड में यूज़ होता है, कंप्यूटर के या लैपटॉप्स में ऐसे क्रिस्टल यूज़ होते हैं। लेकिन जो हमारा मोबाइल फ़ोन होता है इसके अंदर असेंबली क्रिस्टल मतलब इस टाइप के क्रिस्टल यूज़ होते हैं। ये रेक्टेंगल शेप में होते हैं, मतलब साइज़ में लंबे होते हैं। ये ब्लैक कलर में भी आते हैं, ये ब्राउन कलर में भी आते हैं, और कुछ क्रिस्टल जो होते हैं वो पिंक कलर में भी आते हैं, वॉयलेट पिंक। बाकी ये ब्लैक तो आते ही हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो क्रिस्टल हो है जो बेसिकली काम क्या करता है। ये जो आरटीसी क्रिस्टल होता है ये अपने अंदर से एक फ्रिक्वेंसी जनरेट करता है, जिससे कि हमारे मोबाइल फ़ोन में जो डिस्प्ले पर डेट और टाइम आता है ना वो मेंटेन रह सके। मतलब ये हमारे मोबाइल फ़ोन के जो डिस्प्ले और डिस्प्ले पर जो डेट और टाइम चलता है ना उसको मेंटेन करने के लिए अपने अंदर से पल्स जनरेट करता है। ये जो आरटीसी क्रिस्टल है यदि ये ख़राब हो जाए तो हमारे मोबाइल फ़ोन के अंदर जो टाइम और डेट है वो प्रॉपर काम नहीं करेगा, मतलब अपडेट नहीं रहेगा, मिस हो जाएगा। आपको बार बार सेट करना पड़ेगा टाइम और डेट को। इसके अलावा मोबाइल फ़ोन में हैंग की भी प्रॉब्लम आती है और कई बार फ़ोन डेड भी हो जाता है। अब हम चलते हैं आगे, इसके बारे में कुछ और भी जानते हैं। ये जो क्रिस्टल होता है इसको हम सिंपल सिलिकॉन क्रिस्टल के भी नाम से जानते हैं। इसके अलावा ये जो क्रिस्टल होता है ये मेटल बॉडी और नॉन मेटल बॉडी दोनों में आता है, लेकिन हमारी जो मोबाइल फ़ोन है इसमें ज़्यादातर ये नॉन मेटल बॉडी में आजकल आता है। कुछ मोबाइल फ़ोन में ये मेटल बॉडी में भी आता है। जो आरटीसी क्रिस्टल होता है ये मेनली 32.768 किलो हर्ट्स में ही आता है, मतलब इसी वैल्यू का क्रिस्टल ज़्यादातर मोबाइल फ़ोनों में यूज़ होता है डेट और टाइम को पल्स देने के लिए। इसके अलावा बेसिकली ये जो क्रिस्टल होता है ये हमारे मोबाइल फ़ोन के पावर सेक्शन में लगा होता है, यानी मदरबोर्ड में जहाँ पावर सेक्शन होगा वहाँ आरटीसी क्रिस्टल होगा। और ये आरटीसी क्रिस्टल जो होता है मेनली ये पावर आईसी के पास ही लगा होता है, इससे हम इसको आसानी से पहचानते हैं। तो अभी मैं आपको ना आगे कई सारे मदरबोर्ड दिखाता हूँ मोबाइल फ़ोन के, जिससे कि आप आसानी से इस क्रिस्टल को सर्च कर सकें। इसके बाद हम देखते हैं आगे, यहाँ पर देखिए जो क्रिस्टल का सिंबल होता है, यानी सर्किट चार्ट में जब स्टडी करेंगे तो इस टाइप का जो सिंबल आए तो आप समझ लीजिए क्रिस्टल है। और इसको हम एक्स और वाई से भी डिनोट करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्रिस्टल को हम मदरबोर्ड में कैसे पहचानेंगे। तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक मोबाइल फ़ोन का मदरबोर्ड है और ये जो सैमसंग लिखा है ये उसकी पावर आईसी है। और मैंने आपको बताया था कि हमेशा ये जो क्रिस्टल होता है पावर आईसी के पास होता है। तो देखिए यहाँ पर एक मेटल बॉडी में क्रिस्टल लगा है। इस क्रिस्टल की पहचान होती है हमेशा ये रेक्टेंगल शेप, यानी लंबा होगा साइज में, ये इसकी पहचान होती है। तो इसको हम आरटीसी क्रिस्टल बोलते हैं। और ये ऑलमोस्ट मोबाइल फ़ोन में एक ही होता है जो कि पावर आईसी के पास लगा होता है। और मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ और पिक्स दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ये मैक्स की एक पावर आईसी लगी है और इस पावर आईसी के पास देखिए ऊपर साइड में ब्राउन कलर का आरटीसी क्रिस्टल लगा है। तो इस कलर में भी आता है, नॉन मेटेलिक क्रिस्टल है। इसके बाद कुछ और बोर्ड दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पर देखिए ये जो मदरबोर्ड है इसमें एक मेटल बॉडी में क्रिस्टल लगा है, आप देख सकते हैं ये मेटल बॉडी में है, ये भी आरटीसी क्रिस्टल है। ये ओल्ड मॉडल में इस टाइप के क्रिस्टल्स यूज होते थे। और एक और बोर्ड दिखाता हूँ, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये पावर आईसी है और इसके बाद ये देखिए क्रिस्टल लगा है। ये न्यू मॉडल है, न्यू मॉडल का मोबाइल फ़ोन है सैमसंग का, इसमें मेटल बॉडी में लगा है। तो आप देखें, सब में कॉमन बात है कि क्रिस्टल लंबा होता है साइज में और सिर्फ एक होता है पावर सेक्शन में पावर आईसी के पास। इस तरीके से आप आरटीसी क्रिस्टल को आसानी से पहचान सकते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आरटीसी क्रिस्टल सर्किट में काम कैसे करता है। तो यहाँ पर इसके लिए मैंने एक सर्किट तैयार किया है,
जिससे कि मैं आपको आसानी से समझा सकूं कि आरटीसी क्रिस्टल काम कैसे करता है। तो मैंने आपको जैसा कि बताया कि आरटीसी क्रिस्टल हमेशा पावर आईसी के पास लगा होता है, तो यहाँ पर एक मैंने पावर आईसी लगाई हुई है जिसको पीएम यानी पावर मैनेजमेंट आईसी भी बोलते हैं, और यहाँ पर एक सीपीयू लगा होता है जिसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के नाम से जाना जाता है। तो आप देखिए यहाँ पर एक आरटीसी क्रिस्टल लगा हुआ है, और इस क्रिस्टल मैंने आपको जैसा कि बताया था ये क्रिस्टल 32.768 किलो हर्ट्स में ही आता है। तो ये इसका प्रोसेस क्या होता है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए जब हमारा फ़ोन ऑन होता है तो उस कंडीशन में जो हमारी पीएमआईसी होती है यानी पावर आईसी होती है इस क्रिस्टल को सप्लाई देती है, जिससे कि ये क्रिस्टल ऑन होता है मतलब वर्क करता है, और ये क्रिस्टल फ्रिक्वेंसी को जनरेट करके क्लॉक की फ्रिक्वेंसी को जनरेट करके पावर आईसी को देता है। फिर ये जो पावर आईसी होती है उस फ्रिक्वेंसी को सीपीयू को ट्रांसफ़र करती है, और सीपीयू उससे डिस्प्ले पे जो डेट और टाइम आता है उसको मेंटेन रखता है, उसको उसको अपडेट रखता है टाइम टू टाइम, अपना आपकी जो वॉच है जो मोबाइल फ़ोन की वो प्रॉपर चलते रहती है। अब क्या होता है अगर यहाँ पे ये क्रिस्टल ख़राब हो जाए तो उस कंडीशन में ये पल्स नहीं भेज पाएगा डेट और टाइम के लिए, और सीपीयू प्रॉपर डेट और टाइम को मेंटेन नहीं कर पाएगा, ये इसका प्रोसीजर होता है, इसीलिए ये हमेशा पावर आईसी के पास लगा होता है। अब एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, आपने देखा होगा जो पुराने मोबाइल फ़ोन्स आते थे उसके अंदर आपने देखा था कि जब भी आप फ़ोन की बैटरी निकालते थे और फिर लगा के जब ऑन करते थे तो आपको डेट और टाइम सेट करना पड़ता था। इसका मतलब ये कि जब आप बैटरी को निकालते थे तो पावर आईसी से मिलने वाली सप्लाई इस क्रिस्टल को क्या होती थी, बंद हो जाती थी, तो ये क्रिस्टल काम करना बंद कर देता था, ये सप्लाई नहीं देता था, सिग्नल नहीं देता था, और ये सिग्नल सीपीयू को नहीं मिलते थे, और इस कंडीशन में डेट और टाइम मिस हो जाता था। मतलब आपको जब 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 आपने फ़ोन बंद किया बैटरी निकाल के तब तक आपको फ़ोन को में डेट और टाइम को आपको सेट करना होता था। लेकिन उसके बाद मोबाइल फ़ोन्स में इस टाइप की बैटरीज आने लगी, आपने आप कभी मोबाइल फ़ोन को खोलेंगे तो कुछ मोबाइल फ़ोन्स में इस टाइप की एक बैटरी मिलेगी छोटी सी, लैपटॉप में भी आती है डेस्कटॉप में भी, इसको हम बोलते हैं बैकअप सेल, बैकअप बैटरी भी बोलते हैं। ये छोटी सी एक बैटरी होती है जो मोबाइल फ़ोन में लगी होती है, और ये जो सेल का काम ये होता है कि जब आप फ़ोन आपका फ़ोन ऑफ होता है या आप बैटरी फ़ोन की निकालते हो तो उस कंडीशन में जो सप्लाई आरटीसी क्रिस्टल को पावर आईसी देती थी वो तो मिलनी बंद हो जाती है। तो उस कंडीशन में ऑफ कंडीशन में ये जो सेल होता है ये सप्लाई पावर आईसी के थ्रू क्रिस्टल को देता है, आरटीसी क्रिस्टल को, फिर ये आरटीसी क्रिस्टल ऑन हो जाता है और ये अपनी पल्स को जनरेट करके पावर आईसी को देता है, और पावर आईसी उस पल्स को सीपीयू को ट्रांसफ़र करती है, और इस तरीके से हमारे मोबाइल फ़ोन में हमारे मोबाइल फ़ोन का जो डेट और टाइम होता है वो प्रॉपर चलते रहता है, अपडेट रहता है। इसका मतलब आप बैटरी निकाल के फिर से बैटरी लगाएंगे भी तब भी आपका डेट और टाइम प्रॉपर चलता रहेगा, आपको सेट नहीं करना पड़ेगा, वो अपडेटेड रहेगा। लेकिन अभी के जो नए मोबाइल फ़ोन्स आ रहे हैं उसमें इस टाइप की बैटरी आपको देखने को नहीं मिलेगी। इसका मेन रीज़न ये होता है कि जब हम मोबाइल फ़ोन को ऑफ़ करते हैं और जब फिर से ऑन करते हैं, और ऑन होने के बाद जैसे ही हमारे मोबाइल फ़ोन में सिग्नल आते हैं और हमारा मोबाइल फ़ोन टावर से कनेक्ट होता है, वैसे ही ऑटोमेटिक हमारे मोबाइल फ़ोन का डेट और टाइम सेट हो जाता है, अपडेट हो जाता है। तो इस कंडीशन में हमें इस बैटरी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि ये जो क्रिस्टल होता है इसको हम मल्टीमीटर से चेक नहीं कर सकते हैं, इसको आप डायरेक्ट चेंज करके देख सकते हैं, क्योंकि ये फ्रिक्वेंसी जनरेट करता है, इसको हम सीआरओ से चेक कर सकते हैं, मल्टीमीटर से चेक नहीं कर सकते हैं। तो आई होप ये क्रिस्टल का चैप्टर आपको समझ आया होगा और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो यदि आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, जब तक के लिए धन्यवाद।